स्काउट, अब अगर यू नो टूर्नामेंट्स की तरफ से बात करें, आगे की चीज़ों की बात करें, टीम एक्स पाक का एक फ्यूचर लार्जर प्लान क्या है? यार देखो, बस जैसे हर और का कहता है कि जीतना है, तो हम लोग का भी फिलहाल गोल तो वही है कि जितने ज़्यादा टूर्नामेंट्स हम लोग खेल के अच्छे पोजीशन में एंडअप करें, हम लोग का एक्सपीरियंस उतना बिल्डअप होगा। अब ये टीम बहुत फ्रेश टीम है बट बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कैरी करती है। और अबाउट सैम एंड सीक्रेट, नाम इतना बाहर आया नहीं बट दे आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेयर्स आउट देयर, दे कैरी लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड आई विश आवर फ्यूचर टूर्नामेंट्स गो रियली स्मूथ। वी टॉक अबाउट स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, आवर डिसीजन मेकिंग, इट्स ऑल ऑन आवर IGL मावी, क्योंकि हर प्लेयर का एक बोलते हैं ना स्ट्रेंथ है, तो मावी का जो स्ट्रेंथ है डिसीजन मेकिंग है। बिल्कुल, नो वन कैन मेक बेटर डिसीजन देन हिम, बिल्कुल, इन होल कंट्री। तो मैं ये अनडाउटली मैं बोल सकता हूँ, तो हम लोग को इसके डिसीजन मेकिंग पे ट्रस्ट करके ये जो एक्सपेक्ट करता है उसको 100% डिलीवर करना है। अगर ये दो चीज़ सिंक कर देते हम लोग, दैट्स आवर स्ट्रेंथ एंड आई थिंक वी विल बी अनबीटेबल। वीकनेस अगेन द सेम थिंग, जब इसका जो डिसीजन मेकिंग रहता है, इसके जो कॉल्स उसको हम लोग फॉलो नहीं कर पाते, दैट गोज टू अ वेरी बिग ब्लंडर। बोलते हैं ना रॉकेट साइंस, आप एक चीज नट भी निकाल दो, डिजास्टर हो जाएगा। एग्जैक्टली दे रहे हैं। सो ऑडियंस जो दर्शक आपको देख रहे हैं इस समय, उनके लिए मैसेज क्या रहने वाला? आप लोग ने आज तक ट्रस्ट और बिलीव रखा हम लोग के ऊपर, प्लस हमारे डाउन फेज में आपने इतना सपोर्ट दिया है, जहाँ पे लोग टूट जाते हैं वहाँ पे हम टूटे नहीं, जस्ट बिकॉज आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा है। तो उसकी इज्जत और आज तक जिस ड्रीम को चेस करते हुए आ रहे हैं हम लोग कि बाहर जाकर परफॉर्म करना है, उसकी इज्जत, ये दो चीज़ की इज्जत रख के हम आप लोग को इस बार डिसअपॉइंट तो नहीं करने वाले।